सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, यजुर्वेद के आरंभ में मंत्र आता है। वेदों के द्वारा प्रदान की गई यह संस्कृति विश्ववरेण्य संस्कृति है, विश्व के द्वारा वरणीय संस्कृति है, जिसका स्वीकार, जिसका आलंबन सारा संसार ले सकता है और इसका आलंबन लेकर के वह अपने जीवन को अत्यंत सुखमय बना सकता है। मनुष्य के जीवन के लक्ष्य धर्म के अनुसार दो कहे गए, यतः अभ्युदय निश्रेष सिद्धिस्स धर्मः, एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है लौकिक समृद्धि, संपत्ति, सुख, भौतिक विकास, और निश्रेयस का अर्थ है अंतरंग में शांति और देहपात के पूर्व मोक्ष की प्राप्ति। यह सब कुछ जिस संस्कृति का स्वीकार करने से मनुष्य के जीवन में अपने आप क्रमशः आते जाता है। कोई भी बात एकदम से नहीं होती, हर बात का एक एक क्रम होता है। एक पौधे का विकास भी, एक बीज का विकास भी एक वृक्ष के रूप में जब होना है तो उसका एक क्रम है। वह क्रमिक विकास हमारे जीवन में और किसी के भी जीवन में ऐसा हो जाए कि वह बाहर से समृद्ध भी हो और अंतरंग में शांत भी, भौतिक जीवन उसका सुखमय हो और यह लोक से प्रयाण करने के पश्चात भी परलोक में उसको दिव्य गति प्राप्त हो। यह सारा जिस संस्कृति के माध्यम से प्राप्त होता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। और उसका चिंतन करते समय हम लोग देखते रहे कि कैसे इस संस्कृति का जो मूल स्थान हमारा भारतवर्ष है, वह हमारे प्राचीन ऋषियों को कितना प्रिय था, सारे राजाओं को कितना प्रिय रहा है। प्रियम भारत भारतम, यह भारत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, ऐसा हमारे सारे राजा कहते आए, सारे ऋषि कहते आए, सारे महात्मा गण कहते आए। उस भारत की जो दिव्य परंपरा है, उस परंपरा का हम लोग केवल विहंगमावलोकन कर रहे हैं। उसका मूल में जाकर के यदि ठीक से अध्ययन करना हो तो अत्यंत समय साध्य बात है, लेकिन प्रयास तो इस समय मेरा केवल इतना ही है कि लोगों का उन बातों की ओर ध्यान जाए जिन बातों की ओर ध्यान देने का अवकाश उनको जीवन भर में मिला ही नहीं। और शिक्षा पद्धति में भी जिन बातों की उपेक्षा जानबूझ करके की गई, यदि इस देश को जगाना है, जो कि हमारा आद्य कर्तव्य है, तो इन सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। कल हम देख रहे थे कैसे ज्ञान का विकास उपनिषदों के माध्यम से और षट दर्शनों के माध्यम से हुआ, और कैसे विज्ञान का विकास कितने कितने प्रकारों से यहां पर हो गया। मैं पूरा नहीं बतला पाया, पूरा बतलाना संभव भी नहीं है, वो मेरा उद्देश्य भी नहीं है, केवल ध्यानाकर्षण ही उद्देश्य है। और ये ध्यानाकर्षण करते समय हमारे सभी के अंतःकरण में ये भाव जागृत हो जाना चाहिए, एक ही लक्ष्य है ध्यान रखना, कि हमें अपनी परंपरा के लिए स्वाभिमान जागृत हो जाए। हम लोग ऐसे असुरों के शिकार बने हुए कि जिन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए इस देश के स्वाभिमान को निरंतर कुचलने का प्रयास किया, और जिस देश का स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, वह देश फिर उठ नहीं पाता है।
हमें फिर से उठना है। और इस प्रकार का जो प्रयास जो मैं यहां इस व्यासपीठ पर बैठ करके आज कर रहा हूं, आज देश जग रहा है, आज देश उठ रहा है, आज देश बदल रहा है, इसका कारण, इसका आरंभ स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कर दिया था। भारत को जगाने का काम उनके द्वारा हुआ। हमारी सारी छवि धूमिल कर दी गई थी। भारत वर्ष एक अनाड़ी लोगों का देश है और अफ्रीका के हब्शी जैसे रहते हैं उसी प्रकार जंगली लोगों का यहाँ पर निवास है। इनके न कोई शिक्षा है न कोई संस्कृति है। ऐसा ही प्रचार पूरा विदेशों में मिशनरियों के द्वारा किया गया। वो पहला नृसिंह था जिसने जाकर के इस पाश को तोड़ने का प्रथम सफल प्रयास किया और तब से इस देश का जागरण आरंभ हुआ। बहुत मात्रा में देश जगा हुआ है लेकिन पूरी मात्रा में अभी भी नहीं जगा है। इसलिए इस अलग को जगाते रहने की आवश्यकता है। अच्छा, विशेष बात यह है कि आज हमारे सारे के सारे धर्माचार्यों का यह कर्तव्य इसलिए हो जाता है कि जो साधन स्वामी जी के समय में उपलब्ध नहीं थे वे साधन आज उपलब्ध है। आज हम उनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उतना रिसर्च भी नहीं हुआ था और उतना अपने विचारों को फैलाने के लिए उत्तम माध्यम भी उस समय उपलब्ध नहीं था। आज ये सब जब उपलब्ध है और विदेशी ताकतें जब अपने भी अपनी भी ओर से इस प्रयास में जुटी है कि भारत को विखंडित कर दिया जाए, इस देश की स्वतंत्रता के पूर्व ही मित्रों ध्यान में रखना, इस देश को अखंड रूप में स्वतंत्र न किया जाए, इसके 16 टुकड़े करके स्वतंत्र किया जाए, यह षड्यंत्र बन चुका था। आजादी का अमृत वर्ष हम लोग मना रहे हैं लेकिन इस आजादी के आने के पूर्व ही ये सारी योजनाएं बन चुकी थी कि भारत के 16 टुकड़े करके इसको एक एक टुकड़े को स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि भारत पुनः कभी उठ ही नहीं पावे। आज दिल्ली में चिल्लाने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग वो आज की बात नहीं चिल्ला रही है। इसका प्रयास उस समय से किया गया लेकिन कुछ लोह पुरुष इस देश में थे जिन लोगों ने इन मंशाओं को पूरा नहीं होने दिया। तो इस आत्मविश्वास को जगाने के लिए, आत्म स्वाभिमान को जगाने के लिए हमें एक बार अपने नजरिए से अपने इतिहास की ओर देखना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है, देखा है, यह या तो विदेशी लोगों के द्वारा लिखा गया और साम्यवादी लोगों के द्वारा हम लोगों पर विकृत करके थोपा गया इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप उस पुस्तक को अवश्य खरीदिए, असत्यमेव जयते उसका नाम। ढोल पीट पीट करके उस असत्य को हमारे भीतर घुसा दिया गया। कितना प्रगल्भ था ये देश। इसका चिंतन करने के क्रम में जब इस देश की संस्कृति की ओर आते हैं तो मस्तक वास्तव में आदर से झुक जाता है। जैसे इस देश का विज्ञान सर्वोपरि था, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हम लोग विदेशी लोगों के द्वारा किए गए ऐसा मानते हैं, वे सारे के सारे आविष्कार किस प्रकार हमारे वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, सब लोगों ने हम लोगों को दे दिए और वे संस्कृत भाषा में है। और ये संस्कृत भाषा सारे संसार में कोई इस बात को चुनौती दे नहीं सकता कि यदि सबसे कोई वैज्ञानिक भाषा है तो वह केवल संस्कृत भाषा है। कल हमने मैक्स मुलर का उदाहरण पढ़ा था, इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे गणित के नियमों में परिवर्तन नहीं होता है, गणित के नियम एग्जैक्टनेस की ओर हमें ले जाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा हम लोगों को वही बात उस ढंग से कहती है। इस भाषा में जो विकास हुआ, कभी कभी लोगों का ऐसे लगता है कि संस्कृत पढ़ना यानी गीता पढ़ना,
संस्कृत पढ़ना यानी रामरक्षा पढ़ना, संस्कृत पढ़ना यानी भागवत सुनना। इसका मतलब सब लोगों को ऐसे लगने लग गया कि संस्कृत में केवल जो कुछ बातें हैं वे केवल धर्म कर्म की बातें हैं, पूजा पाठ की बातें हैं और परलोक की ही बातें हैं। यहां से छुट्टी होकर के ऊपर जाने के पश्चात कैसे सुख मिलेगा इसका ही वर्णन वहां पर। जितना भौतिक विषयों का विचार, जितना भौतिक विषयों का विचार संस्कृत भाषा में किया गया उतना संसार की किसी भी अन्य भाषा में नहीं किया गया। भौतिक विषयों की बात कर रहा हूं, चौदह विद्या चौसठ कलाओं की कल बात हम लोगों ने की थी। उन चौसठ कलाओं में एक कला मेकअप की कला भी है, आपको पता है कैसे स्वयं का श्रृंगार किया जाए, कैसे दूसरे का श्रृंगार किया जाए। और ये प्राचीन काल में एक व्यवसाय भी था। ये व्यवसाय करने वालों को, महिलाओं को सैरंध्री कहा करते थे। और आपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कुब्जा का नाम तो सुना है। ये कुब्जा क्या थी? ये कुब्जा सैरंध्री थी। और मथुरा के मार्ग में मिलने पर भगवान ने उससे पूछा कौन हो, तो उसने कहा कि मैं सैरंध्री हूं, राजमहल में काम करती हूं। तब भगवान ने कहा रे रोज मामी जी का श्रृंगार करती हो तो आज मेरा भी कर दो। ये श्रृंगार करने की कला द्रौपदी ने विराट नगर में अज्ञातवास के समय एक वर्ष तक यही काम किया था। और इसका इतना सुंदर वर्णन आपको मिलेगा, अब मैं बतलाता नहीं हूं आपको, लेकिन फाउंडेशन क्या होना चाहिए, उसके पश्चात क्या क्या लगाना चाहिए। अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, संस्कृत भाषा में यह सब वर्णन मिलेगा आपको। विलास का वर्णन कैसा हो आप पढ़िएगा मत, लेकिन बतला देता हूं आपको, भर्तृहरि ने केवल वैराग्य शतक नहीं लिखा, केवल नीति शतक नहीं लिखा, भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक भी लिखा। अब पढ़ करके क्या करेंगे, अब प्रेमपुरी में बैठे हैं तो वैराग्य शतक अच्छा है, लेकिन संस्कृत भाषा की समृद्धि कितनी है इसको ध्यान में लेने के लिए और हमारे बालकों के सामने विषय रखने के लिए इन बातों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से लेकर के सारे सिद्धांत आपको संस्कृत भाषा में मिलेंगे। कल मैंने उल्लेख किया था भारद्वाज के विमान शास्त्र का, 40 वर्ष पहले मैंने उसको टटोला देखा, नासा ने पिछले वर्ष उसको मंगाया। उनको जब ध्यान में आया कि ऐसा कोई विमान शास्त्र भरद्वाज मुनि ने लिखा है, उन्होंने मंगाया, उसकी प्रति मंगाई और वो चेन्नई से भेजी गई उनको। इस अलौकिक भाषा का एक एक पहलू अत्यंत प्रगल्भ है। बस एक बात है कि यो सारा जो साहित्य लिखा गया यह छंदोबद्ध करके लिखा गया, यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया या अन्य छंदों का कई उपयोग किया गया। क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया कि हमारे यहां पर पद्धति थी सब कुछ कंठस्थ कर लो, और कंठस्थ करने में कभी भी छंद ज्यादा उपयोगी होते हैं। यू कैनॉट लर्न द प्रोज बाय हार्ट बट विथ पोएट्री यू कैन लर्न इट बाय हार्ट, यह सीधी बात है। और इसलिए संपूर्ण वाल्मीकि रामायण आपको छंदोबद्ध अनुष्टुप छंद में मिलेगी, और इसका परिणाम यह था कि सबका सब कंठस्थ भी कर लिया जाता था। और इसके लिए हमारे यहां पर छंद शास्त्र था, वेदांगों का वर्णन देखते समय हमने छंद शास्त्र को देखा। इस छंदोमयता के कारण, इस लयबद्धता के कारण हमारे सारे शास्त्र मुखोद्गत होते थे, मुखोद्गत। आज भी गीता परिवार के द्वारा जो अभियान चलाया, 1000 से अधिक लोग संसार में ऐसे खड़े हो गए, नए छोरे छोरी, जिनकी संपूर्ण गीता कंठस्थ हो गई, गीता व्रती बन गए।
संपूर्ण गीता का। वो क्यों हुई? छंदोबद्ध होने के कारण हुई। वो यदि गद्य होता गद्य कंठस्थ नहीं किया जा सकता। गद्य को कंठस्थ करना बहुत कठिन होता है, पद्य का रूप देने से वह एकदम सरल हो जाता है। हमारे सारे शास्त्र इसलिए अनुष्टुप छंद में लगभग लिखे गए, हमारा सारा आयुर्वेद वैसे लिखा गया। मैं नाट्य शास्त्र खोल करके बैठा हूं और सारे संसार में नाट्य का जो वर्णन आपको मिलेगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के साथ उसकी तुलना कीजिए, बाकी सारे ड्रामा और उसके लिए उसके संदर्भ में लिखे ग्रंथ आपको बौने लगेंगे, तुच्छ लगेंगे, छोटे लगेंगे। नाट्य शास्त्र के आरंभ में भरत मुनि लिखते हैं, दुखार्थानां क्षमार्थानां। नाट्य शास्त्र लिखने का मेरा प्रयोजन यह है कि धर्म के अधिष्ठान पर रह करके, मुख्य बात यह है हमारे देश का मुख्य स्वर धर्म है, धर्म के अधिष्ठान पर रह करके हमारे दुखों को हम कैसे भूल सकते हो, कैसे हमारे परिश्रम को भूल करके और थोड़े समय तक हम रिलीफ प्राप्त करें। शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले, चित्त को विश्राम भी चाहिए। अरे मगज में रात दिन चिंताएं चिंताएं, ये विचार वो विचार, ये आजकल की भाषा में स्ट्रेस, उसको भूलने के लिए कुछ तो भी एक रिलीफ चाहिए। भरत ने लिखा कि वो देने के लिए, लेकिन वह देते समय भी धर्म का आधार न छूट जाए, इस पद्धति से मैंने नाट्य शास्त्र की रचना की। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, इससे मैं लोगों का कल्याण करना चाहता हूं। नाट्य शास्त्र को छोड़िए, सारे शास्त्र थोड़ी बतलाने के लिए बैठा हूं, उतना समय नहीं है। लेकिन आपने एकदम मुझे याद आ गया, वात्स्यायन का कामसूत्र कभी पढ़ा है क्या? मैंने पूरा पढ़ा है कामसूत्र। क्या कहता है वात्स्यायन? वात्स्यायन ने कहा कि मैं कामसूत्र क्यों लिख रहा हूं? मनुष्य को अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी होगा। अस्य ग्रंथस्य यो वेत्ता ब्रह्मचारी भवेत् ध्रुवम्, यह वात्स्यायन की प्रतिज्ञा है और यह कामसूत्र में लिखता है। मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, काम पुरुषार्थ के ऊपर ही। पूरा ग्रंथ बड़ा है, उसमें सभी प्रकार के काम विलास का वर्णन है, लेकिन वह करते समय वात्स्यायन की प्रतिज्ञा क्या है? अस्य ग्रंथस्य यो वेत्ता ब्रह्मचारी भवेत् ध्रुवम्, मनुष्य अपने जीवन में, अरे काम जीवन भी मनुष्य के जीवन का एक अंग है, लेकिन वह भी उसके विकास में उपयोगी होना चाहिए, उसके विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं कामसूत्र लिख रहा हूं। यहां के ऋषियों की दृष्टि को देखिए, चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतम जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानंदम अद्वितीयम उपास्मय। क्या बात है! संगीत का वर्णन करते समय संगीत रत्नाकर गार कहते हैं कि नाद ब्रह्म की आराधना करने के, एक खाली नाचना गाना बजाना डीजे चलाना ये गणपति उत्सव का काम नहीं है, हमने उसको इतना विकृत कर दिया है। लेकिन यहां का जो संगीत था उसको ब्रह्मानंद के समीप का माना गया था। आपको याज्ञवल्क्य के स्मृति का एक वाक्य सुनाता हूं, याज्ञवल्क्य के शिक्षा का। वीणा वादन तत्वज्ञः
श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति। संगीत का उपयोग भी मोक्ष के लिए, संगीत का उपयोग नाद ब्रह्म यह परब्रह्म के सबसे समीप यदि कोई ब्रह्म का स्वरूप होगा। 14 प्रकार के ब्रह्म का वर्णन आता है उपनिषद में, चतुर्दश ब्रह्म। परब्रह्म तत्व के सबसे समीप का जो तत्व है वह नाद ब्रह्म है। ओंकार क्या है जी? ओम का ध्वनि। देखो मूल सारा संसार नादमय है, सारा संसार स्पंदमय है, क्योंकि सारा नाद इस वाइब्रेशन वो स्पंद है। स्पंद कार्य का पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, हम लोग स्पंद में जीते हैं। संसार का एक एक कण निरंतर गतिमान है, उसका स्पंद है। स्पंदों में हम लोग जीते हैं, निस्पंद हो जाना समाधि है। यह निस्पंदता कैसे प्राप्त हो और स्पंदों के माध्यम से निस्पंदता कैसे प्राप्त हो, यह सिखाने के लिए संगीत है, यह सिखाने के लिए गान है। श्रुति जाति विशारदः, यह अत्यंत प्रगल्भ शब्द है। मूल बात, इस देश में नाट्य था, संगीत था, काम शास्त्र तक सारे शास्त्र थे, लेकिन सबका मुख्य स्वर धर्म था। और जैसे शब्द ब्रह्मोपासना है वैसे नाद ब्रह्मोपासना है। आपको एक बात बता दूं क्या, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की बात करता हूं, उनका एक ग्रंथ है योग तारावली। उसमें वे कहते हैं जितने जल्दी नादानुसंधान से समाधि लगती है उतने जल्दी समाधि लगने का अन्य कोई उपाय नहीं। नादानुसंधान योग तारावली, नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वं वाचकं ब्रह्म पदस्य जाने भवत् प्रसादात् पवनेन साकं। नाद और पवन वायु प्राणस्पंद, भवत् प्रसादात् प्रणवेन साकं पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो मे। नाद के माध्यम से लय कैसे किया जाए, हमारे योग शास्त्र में एक लय योग भी है। कितना ज्ञान इस संस्कृत भाषा में भरा हुआ है, इसका कोई पार नहीं, इसका पार नहीं। लेकिन हम लोगों को तो यह सिखाया गया कि इस डेड लैंग्वेज, नो द लैंग्वेज इज नॉट डेड, वी आर डेड। हम लोगों के मन को मार डाला गया, हम लोगों के विश्वास को समाप्त कर दिया गया। चलो एकदम याद आ गया इसलिए बतलाता हूं। इजराइल का युद्ध चल रहा है और ये इजराइल एक छोटा सा देश है और चारों ओर से पापी अरबों से घिरा हुआ है। और आपको ध्यान में यह रखना चाहिए कि 70 वर्ष पूर्व तक इस देश के लोगों को, जिनको हम यहूदी कहते हैं, ज्यूज को अपनी भूमि प्राप्त नहीं थी यरूशलेम की। उस भूमि से वे खदेड़ दिए गए थे। हम लोग भी परतंत्र थे, लेकिन हम लोग परतंत्र थे अपनी भूमि के ऊपर थे, और वो लोग परतंत्र थे भूमि गंवा करके थे। दे वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको उनकी भूमि नहीं थी,
संसार के सारे देशों में जा जा करके बेचारे जहां तहां जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, और ऐसे उनको जीवन कितने दिन जीना पड़ा पता है? लैंडलेस पीपल, भूमि गंवा करके उन लोगों ने 2000 वर्ष बिताए, 2000 ईयर्स। अमेरिका के प्रवास पे मेरे साथ एक बहन थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, वो जू है। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोगों ने 2000 वर्षों का यह संघर्ष कैसे किया? 2000 वर्षों तक भूमि से दूर रह करके उसी भूमि पर आकर के पुनः अपने राष्ट्र को स्थापित करना, ये बहुत कड़ा संघर्ष था, ये कोई नहीं कर सकता था। उसने कहा हम लोगों में एक पद्धति रही, कोई भी मीटिंग होती थी, किसी की भी कहीं पर भी कोई भी गैदरिंग है, उस मीटिंग में अंतिम वाक्य क्या होता था? मीटिंग समाप्त करते समय, किसी भी इवेंट की समाप्ति के समय वे कहते थे नेक्स्ट मीटिंग इन यरूशलेम, नेक्स्ट मीटिंग इन यरूशलेम। 2000 वर्षों तक वो कहते रहे नेक्स्ट मीटिंग इन यरूशलेम। 2000 वर्षों के बाद में यरूशलेम उनको प्राप्त हो गया। और इसीलिए मित्रों हम कहते हैं कि हम सिंधु सिंधु का जप करते रहेंगे, सिंधु को प्राप्त करके रहेंगे, पीओके को समाप्त करके रहेंगे। उन लोगों को तो 2000 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी, हम लोगों को शायद 2 वर्षों की करनी पड़ेगी। लेकिन ये तब संभव होगा जब हमारा अंतकरण इस आवेश से भरा रहे, तीव्र संवेगानाम आसन्न। सफलता उसको प्राप्त होती है जिसके भीतर का संवेग तीव्र होता है, इच्छा शक्ति तीव्र होती है। इज़राइल की 2000 वर्षों के पश्चात देश, इस देश के सारे लोग पुनः अपनी मातृभूमि तक जाकर के पहुंच सके। मुद्दा मुझे आपको जो बतलाना था वो ये था, इन 2000 वर्षों में ये ज्योति जागृत कैसे रही उन लोगों के अंतकरण में, अपनी मातृभूमि के लिए यह प्रेम कैसे बना रहा, इसका एक कारण था। उनके धर्म ग्रंथ का नाम है तालमुद, और जो लोगों में पद्धति थी और आज भी है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको तालमुद नहीं पढ़ाया गया। हिटलर ने जर्मनी में तालमुद पढ़ाने के ऊपर बंदी लगा दी, माताएं रात्रि के समय राबी, उनके यहां की भाषा बोलता हूं, उनके पंडितों को, उनके ब्राह्मणों को राबी कहते हैं, दे कॉल देम रबाय और राबी। रात्रि के समय ये माताएं अपने बच्चों को भेजती थी कि तुम जाकर के तालमुद पढ़ करके आओ। धर्म ग्रंथ के माध्यम से राष्ट्र बचता है, ध्यान रखना, इसलिए घर घर में गीता पहुंचनी चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। गीता को पहुंचाओ, राष्ट्र अपने आप बचेगा। यज्ञ की ज्वालाएं स्थान स्थान पर सीमावर्ती प्रदेशों में जागृत रहने दो, राष्ट्र अपने आप बचेगा। सीमावर्ती प्रदेशों में मंदिरों को बांधो, निर्माण करो, राष्ट्र अपने आप बचेगा। राष्ट्र को बचाने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं
उनमें हमारे मंदिर है, हमारे तीर्थ है, हमारे धर्म ग्रंथ है। इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करने वाले ब्राह्मण हैं, साधु हैं, तो स्तुति इनके माध्यम से बचती है। अच्छा, ये जो तालमुद ग्रंथ रहा, ये तालमुद हिब्रू भाषा में है, इंग्लिश में नहीं है, उसको पढ़ाया जाता है हिब्रू में, लेकिन उसको हिब्रू में जान करके पढ़ाने वाले लोगों की संख्या जब इज़राइल स्वतंत्र हुआ, उनको अपनी मातृभूमि मिली, तब इसका सर्वे किया गया तो पूरे संसार में हिब्रू को जानने वाले लोगों की संख्या केवल 200 थी। लेकिन वो मेरी भाषा है, हमारी भाषा है, और हमारा देश अब स्वतंत्र हुआ है, उन लोगों ने अपनी नेशनल लैंग्वेज हिब्रू की, और आज वहां का बच्चा बच्चा हिब्रू जानता है। हिब्रू पढ़े बिना उसको गति नहीं है। अंग्रेजी माध्यम वहां पर किसी के पास नहीं है, जिसको फॉरेन अफेयर करनी होती है उसी को अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ हिब्रू में पढ़ाया जाता है। ये कैसे हुआ? मरणासन्न भाषा को उन लोगों ने जीवंत कर दिया, और मृत्युंजय भाषा को हम लोग मरी हुई कहने लग गए, इतने हम लोग मर गए। भारत भक्ति कथा मरे हुए राष्ट्र को संजीवनी देने के लिए, ध्यान रखना। और ये समय से नहीं दी गई तो ना आपके मंदिर बचेंगे, ना आपकी भागवत कथा बचेगी, ना आश्रम बचेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। और अत्याचार ऐसे होंगे जिन अत्याचारों का वर्णन आप रामायण महाभारत की बात भूल जाइए, अभी अभी गाजा में क्या अत्याचार हुए जरा पढ़ लीजिए। और यदि समय से यह राष्ट्र नहीं जगता है तो वो घड़ी बहुत दूर नहीं है। आज सवेरे एक दृश्य देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत जल्दी उठकर के मैं देख रहा था, व्हाट्सएप पर एक दृश्य आया। क्या आया? इज़राइल के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को, दोनों माता पिता अपने बेटे को विदा कर रहे हैं सेना में युद्ध के लिए जाने। प्रधानमंत्री का बेटा युद्ध पर जा रहा है और वे आनंद के साथ उनको विदा कर रहे हैं। इस देश के मंत्रियों से पूछना चाहिए किस मंत्री का बेटा गया है सेना में, बोलो। ये पूछने वाला समाज खड़ा होना चाहिए, आपका बेटा मिलिट्री में जाता होगा तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो आपको एक किक। और देश को बचाने का यही उपाय है। सावरकर जी इसलिए कहा करते थे, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। हम गीता यूं ही नहीं पढ़ाते हैं, एक और समाधि भी लगाने आना चाहिए और दूसरी ओर शमशेर लेकर के चलने भी आना चाहिए, इसके लिए गीता उपयोगी है। ध्यान रखना, गीता कायरों का शास्त्र नहीं है, वीरों का शास्त्र। किस देश की माटी चंदन है, इसका अर्थ है इस देश के किसी भी कोने में आप जाकर के खड़े हो जाइए, आपको संस्कृत भाषा के संस्कारों की सुगंधि प्राप्त होती है, आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता दृष्टिगत होती है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर हमारा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस देश में उत्सव मनाया जाता नहीं। यह सुगंधि संस्कारों की सुगंधि है, यह सुगंधि धर्म की सुगंधि है, अध्यात्म की सुगंधि, भक्ति भाव की सुगंधि, और यह आपको इस देश के कोने कोने में मिलेगी।
जिसको जुकाम हो जाता है उनको सुगंधी आती नहीं है, इससे पहले जुकाम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वही काम कर रहे हैं, चाहे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, चाहे उस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत जिन वाद्यों का वर्णन किया गया है वे है। हमारा नृत्य भी आप देखेंगे, भरतनाट्यम आदि नृत्य प्रकार आप लोगों को पता है, ये कितने शालीन है। आप सभी नृत्य प्रकारों के साथ भारतीय नृत्य प्रकारों की तुलना करके देखिएगा, यह सर्वत्र शालीनता है, सात्विकता है, कला है, श्रृंगार भी है, लेकिन श्रृंगार उस कला की भी एक मर्यादा है, उस सीमा में रहकर, क्योंकि जीवन का अंग है वह सब, लेकिन जीवन के इन अंगों को उनकी मर्यादा में ही रहना चाहिए। मर्यादा में सब कुछ सुंदर होता है और मर्यादा का भंग करने के पश्चात सब कुछ कुरूप हो जाता है। श्रृंगार भी कितना सुंदर होता है, कभी तो भी कालिदास का शाकुंतलम पढ़िएगा। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम वास्तव में दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। श्रृंगार प्रधान है, लेकिन श्रृंगार कितना अभिजात होता है, उसका भी स्तर कैसा होता है, उसमें भी मर्यादा का पालन कैसा होता है। एक एक बात हृदय को छू जाती है। और हमारे महाकवि कालिदास वे भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम प्रवक्ता है। संस्कृत भाषा का विषय आ गया, ऐसी क्रम में आ गया, और कालिदास का विषय आ गया। कालिदास की सारी कृतियां उत्तम है। शाकुंतल को तो लेकर के जर्मन महाकवि गटे अपने मस्तक पर रख करके नृत्य करता है, और जिस श्लोक को पढ़कर के गटे को नृत्य करने की इच्छा हुई वो अपने को रोक नहीं पाया, वो वात्सल्य का श्लोक है। और कालिदास को सर लिख देते हैं, आलक्षदंत मुकुलान अनिमित्त हासैर अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवृत्ति अंकाश्रय प्रणेन स्तनयान वहंतो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवन। गठे अपने को रोक नहीं पाया, शाकुंतल को मस्तक पर लेकर के नृत्य कर गटे ने नृत्य किया, लेकिन हमने शाकुंतल को सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके सौंदर्य से हम वंचित रह गए। सारा जीवन हमारा चौपाटी के भेल में ही चला गया। जीवन के कितने महनीय आनंद है, बात मैं कर रहा था, जिस ढंग से कालिदास ने रघुवंश का वर्णन हम लोगों के सामने रखा, कभी तो भी समय निकाल करके मनुष्य संस्कृति क्या होती है, धर्म क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े श्लोकों में ध्यान में आ जाता। तो हमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकर्थवर्त्मनाम यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराददंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम यागाय समृतार्थानाम प्रत्याय मितभाषिणाम
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवे भ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम रघूणामन्वयं वक्ष्ये। इतने से श्लोकों में कालिदास ने हमारी सारी संस्कृति का दर्शन हम लोगों को करा दिया। भगवान श्री राम का अवतार जिस वंश में हुआ उस वंश के क्या गुण थे, आजन्म शुद्धाना, इस वंश में जन्मा हुआ हर राजा शुद्ध होता था। कब शुद्ध होता था? चुनाव हारने करके घर में बैठने के बाद। हमारी शुद्धता देश सापेक्ष होती है और काल सापेक्ष होती है। हम कभी कभी शुद्ध होते हैं और कहीं कहीं शुद्ध होते हैं। देश और काल निरपेक्ष शुद्धता, अनपेक्ष शुचिर दक्ष गीता। आजन्म शुद्ध, इतने सारे गुरुओं का वर्णन। भारत की परंपरा गुणों की आराधना करने वाली परंपरा। भगवद गीता में भी आप ये देखेंगे, भगवद गीता में गुणों की 5 सूचियां हैं। ये अपने जीवन की चेकलिस्ट है। संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए और संस्कृत भाषा ही क्यों पढ़नी चाहिए ये बताता। इसलिए हम गीता परिवार में भगवद गीता कंठस्थ करने का आग्रह रखते हैं। भगवद गीता का अनुवाद कंठस्थ करने का आग्रह नहीं रखते हैं। गीता ही कंठस्थ करो, उसका कोई अनुवाद, अर्थ समझने के लिए सबका उपयोग करो। कंठस्थीकरण के लिए संस्कृत भाषा की गीता का ही आग्रह हम लोगों का, क्योंकि वो मंत्रमय है। और हम लोगों का विश्वास है जो 172 देश के 8,00,000 लोग गीता पढ़ने लग गए हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के हर बच्चे के हाथ में और उसके कंठ में गीता का एक तो भी अध्याय चला जाएगा। उनको भाषा में जो राम कथा मिलेगी, जो महाभारत का दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, उसके अंतर्गत आने वाली भगवद गीता, ये कहां मिलने वाला है? मेरा संसार के सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज। ये ज्ञान की धारा और किस देश में किस भाषा में, कृपा करके बताइए। हमें संस्कृत नहीं आती है तो उसका खेद होना चाहिए, उसकी थोड़ी आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ तो भी मैं कंठस्थ कर लूं ऐसा लगना चाहिए। लेकिन वो डेड लैंग्वेज करके कह करके अपनी स्वयं की बौद्धिक डेथ प्रमाणित नहीं करनी चाहिए। मरा हुआ मुर्दा ही ऐसे बोल सकता है कि संस्कृत डेड लैंग्वेज, वो संजीवक भाषा है, मृत्युंजय भाषा है। और जितना ज्ञान आज भी संस्कृत भाषा में है संसार में कहीं पर, मैं तो खुलेआम बोलता हूं। विदेशों में जाना आरंभ करने के पश्चात मैंने उसका उपयोग इसलिए किया कि मैं दिन भर वहां के ग्रंथालय में बैठ करके पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में एक बात आने लग गई कि अरे ये मैं जो पढ़ रहा हूं आज 4 एरियाज में बहुत लिखा जाता है। टेक्नोलॉजी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ह्यूमन साइंसेस में
मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप एंड रिलेशनशिप, इन चारों विषयों का बैठे बैठे वहां पर गहराई से पठन करते हुए मेरे ध्यान में आया, इसमें कोई विचार मुझे नया नहीं लगता है। ये सारे विचार मैंने हमारे संस्कृत भाषा में मूल में पढ़े हैं, ओनली द एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। और वहां से आने के पश्चात मैंने पुनः ग्रंथों को पहले सिरे से पढ़ना आरंभ किया और मेरा विश्वास हो गया मैनेजमेंट के बारे में जितना कुछ महाभारत में आपको मिलेगा, मैनेजमेंट के सारे पुस्तकों को मिला करके भी उतना नहीं मिलेगा इतना एक महाभारत में आपको मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प के बारे में ये सीक्रेट विक्रेट पुस्तकें आप पढ़ते हैं ना, ये झूठी पत्तल है योग वासिष्ठ की। योग वासिष्ठ इतना प्रगल्भ ग्रंथ है, उसकी झूठी पत्तल होना भी एक गौरव की बात है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन उनके शब्दों में एक एक प्याला कई अमृत की घूंट मिलेगी, कई सीक्रेट में मिल जाएगी, कई दीपक चोपड़ा में मिल जाएगी और कभी किसी में मिल जाएगी, लेकिन उस अमृत का सागर योग वासिष्ठ में लहरा रहा है। अमृत का सागर, उसमें से कुछ प्याले लेकर के ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। नॉट बैड, बट यू मस्ट गो टू द सोर्स। ये संस्कृत भाषा की विलक्षणता है। सारे संसार के राजनीतिज्ञों के सारे ग्रंथों को ढूंढ लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ तुलना करने जैसा एक ग्रंथ आप बतलाइए, मैं आपको जो चाहे इनाम दे सकता हूं। ऐसा अर्थशास्त्र है। रिलेशनशिप के लिए सारे संसार में आप रामकथा जैसा और कौन सा ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य बात यह है, यह हमारी भाषा, यह भारत की सुगंधी है। हमें इंडिया नहीं बनाना है, भारत निर्माण करना है। और भारत को विकास जो करना है, वो भारत को भारतीयता रख करके विकास करना है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। भारत भारत तब रहेगा जब वेद यहां पर रहेंगे, भगवत गीता रहेगी, रामायण की कथा चलेगी, भागवत की कथा चलेगी, महाभारत का चिंतन चलेगा, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन होगा। और ये सारे उपलक्षण हैं, ये तो केवल नमूने के नाम, इसके साथ साथ और बहुत सारा कुछ है। इन सबसे प्रेम निर्माण करना, ये भारत की भक्ति है। ध्यान, महाभारतकार ने एक प्रतिज्ञा की, महाभारत के आरंभ में आपको मिल जाए, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाभारतकार कहते हैं इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जो महाभारत में मिलेगा वही आपको अन्यत्र मिलेगा, जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, महाभारत महाभारत ही है। उस महाभारत नाम के सागर का सार भगवद गीता, गीता महाभारत का सार है और महाभारत गीता का विस्तार। इसलिए एक बात पक्की ध्यान में रखना, मैं थोड़ा साहस के साथ बोलता हूं लेकिन जोर लगा करके बोलता हूं, भगवद गीता का अन्य जो भी भाषा आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पहले भगवद गीता को महाभारत के संदर्भ में समझो।
भगवत गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। और इसलिए लोग मुझे पूछते हैं भगवत गीता का सबसे अच्छा भाष्य कौन सा है, मैं यही कहता हूं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन दर्शन है वो भगवत गीता का सबसे उत्तम भाष्य है। कृष्ण के उपदेशों के संदर्भ में गीता पढ़ेंगे तो गीता आप ठीक से समझेंगे, ये तो पूरी गीता पढ़ करके आप चरखा ही चलाते बैठेंगे, उससे देश जीतना नहीं है। ध्यान रखना, गीता वीरों का शास्त्र। और इस पूरी गीता में सद्गुणों की आराधना, दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ के सारे गुण, बारहवें अध्याय के भक्त के लक्षण, तेरहवें अध्याय के गुणातीत के, तेरहवें अध्याय के ज्ञान के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, चौदहवें अध्याय के गुणातीत के लक्षण और सोलहवें अध्याय के दैवी संपत्ति के लक्षण। दीज आर फाइव चेकलिस्ट ऑफ आवर लाइफ। हमने जीवन में कुछ प्राप्त किया है कि नहीं किया है, यू कैन चेक। इन पांच में से एक एक सूची को अपने पास रख करके देखिए और थोड़ा टिक मार्क करते जाइए। अपने जीवन के उत्थान का यही मार्ग है, आत्मविकास का यही रास्ता है। बड़े होटल में रुकते हैं या बड़ी किसी एयरलाइन से प्रवास करते हैं तो वो असेसमेंट कार्ड देते हैं हम लोग, भोजन कैसा था ए बी सी। मैंने कभी किया नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा सब कुछ है। अमुक व्यवस्था कैसी थी ए बी सी, वैसा अपने जीवन में करना चाहिए। अभयम ए बी सी, मैं आज दिन भर कितना अभय निर्भय था। यह सद्गुणों की साधन, यह सिखाने के लिए गीता है और भगवान श्री कृष्ण ने यह सब सिखाया है। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला ऐसा साहित्य हमें कहां मिलेगा। यह भारत की ज्ञान संपदा, अब इसमें कितना कितना देखते रहेंगे। इस देश ने हम लोगों को जो जीवन पद्धति दी वो जीवन पद्धति कितनी प्रगल्भ थी। हमें संस्कारों का, हम संस्कृति शब्द का उच्चारण करते हैं, संस्कृति संस्कारों के प्रवाह का नाम है। सारे संसार में जाकर के देखिए कितने संस्कारों का वर्णन कहीं आपको मिलता है क्या। संस्कारों का आरंभ कब होना चाहिए, क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं और सुनते नहीं हैं तब माताएं कभी कोई शिकायतें करती है, अब क्या करना चाहिए बच्चों को, सुधारना कैसे चाहिए, उसको कैसे अच्छे संस्कारों में ढालना चाहिए। 16 वर्ष के बाद नहीं, 5 वर्ष के बाद नहीं, जन्म के भी बाद नहीं। आश्चर्य की बात है, हमारी परंपरा में बालकों के संस्कारों का आरंभ होता है जन्म के पहले से। गर्भाधान भी संस्कार है, उन्सवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जन्म होते ही जातकर्म संस्कार है, निष्क्रमण नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण कर्णवेद उपनयन वेदारंभ समावर्तन, विवाह भी संस्कार है, उसके पश्चात वानप्रस्थ है, सन्यास है और उसके पश्चात अंत्येष्टि जब पहुंचा दिया जाता है। मैंने शब्द का प्रयोग किया है अंत्येष्टि, इष्टि का अर्थ यज्ञ, अंत्येष्टि का अर्थ पता होना चाहिए।
मेरे जीवन की समाप्ति की वो पूर्णा होती है। मेरा संपूर्ण जीवन यज्ञमय है और यज्ञमय जीवन की पूर्णाहुति की अंतिम आहुति उस समय पुत्र देता है। वो यज्ञ की हमारा कोई भी यज्ञ पूर्णाहुति से होता है ना, ये जीवन भी यज्ञ उसकी वो पूर्णाहुति है। इसलिए अंतिम संस्कार को जला डालना नहीं है, वो अत्यंत श्रद्धा के साथ किया हुआ अंतिम संस्कार है। जीवन इस स्तर से जिया जाना चाहिए, ये आर्यों ने सिखाया है। और जीवन का ये स्तर वैदिक परंपरा में ही केवल उपलब्ध होता है। इतने सारे संस्कारों का वर्णन आपके सामने करूं, मेरे पढ़ तो गया है, लेकिन सबका वर्णन करते बैठूंगा तो अपनी कथा यही हो जाएगी। लेकिन एक का वर्णन करता हूं जिसका आपको पता नहीं है। निष्क्रमण संस्कार के समय बच्चे को बाहर निष्क्रमण के पश्चात खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है और तस्मिन काले स्थापयेत तत्पुरस्तात् वस्त्रम शत्रम लेखनीम पुस्तकंच, ये मूर्त चिंतामणि का श्लोक है। उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट करनी है, इस बालक को क्या पढ़ाना है आगे। तो वहां पर खिलौने रख दिए जाते हैं, वहां पर पुस्तक रख दिए जाते हैं, वहां पर उन खिलौनों के अलग अलग प्रकार रखे जाते हैं, तराजू रख दिया जाता है, खुरपी रख दी जाती है और अलग 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 साहित्य रख दिए जाते हैं। और अलग अलग समय में तीन बार ये टटोलना होता है कि उस हॉल में छोड़ने के पश्चात वो बच्चा किसके साथ खेलता है। वो पुस्तक के साथ खेलेगा या कलम के साथ खेलेगा, चित्रों को देखता बैठेगा या खुरपी के साथ खेलता बैठेगा या गेंदे लेकर के बैठेगा। तो आगे जाकर के उसको क्या पढ़ाना चाहिए इसका निर्णय करने के लिए उसके मन की यह परीक्षा है, व्हाट ही लाइक्स। अब वो बालक वहां पर जो खेलता बैठने वाला है वो क्यों खेलेगा, विशिष्ट पदार्थ से क्यों खेलेगा। आप देखिए सब बच्चे समान खेल नहीं खेलते हैं। क्योंकि हम लोग जब जन्म लेकर के आते हैं तो कोरी पाटी कोरा कागज लेकर के नहीं आते, पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ आते हैं और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार हमारी बचपन की लाइक्स एंड डिसलाइक्स निश्चित होती है, फिर वो उसी में रमता है। मैंने 5 वर्ष का बच्चा देखा, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, उसके द्वारा बजाया जाने वाला तबला, अरे हम तो दंग रह गए। अच्छा अच्छा तबला बजाने वाले दंग रह गए। वो बच्चा इतना छोटा था कि उसको हाथ ऐसा करना पड़ता था, तबले वाले का हाथ ऐसा होता है, उसको हाथ ऐसा करना पड़ता था, लेकिन तबला उसका ऐसा बजता था। ये कहां से आया, ये पूर्व जन्म से आया। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तो जिसके जिस प्रकार के संस्कार हैं, उसको उसी दिशा में भी आगे बढ़ाया जाता है तो वो बहुत जल्दी प्रगति करता है। हमारे सारे संस्कारों में ये प्रक्रियाएं अनुस्यूत रही और इसलिए 25वें वर्ष तक यहां का युवक पढ़ लिख करके तैयार हो जाता था और आज का बेचारा 28वें वर्ष तक विचार ही करता है कि आगे क्या करेंगे, ट्राई करता हूं बोलता है। अब आधा बूढ़ा तो हो गया, आप क्या ट्राई करने वाला है। हमारी परंपरा ने हम लोगों को जो ध्यान दिया
अपना स्वास्थ्य उत्तम कैसे रखा जाए, इसका जो ध्यान आपको आयुर्वेद में मिलेगा और योग में मिलेगा, आइए सारे संसार में घूम करके आइए, ऐसा ध्यान आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं। नो वे, इतना परिपूर्ण है आदर्श। अरे ध्यान की बात छोड़िए, मैं आपको एक सादा प्रश्न पूछूं, डॉक्टर है क्या कोई यहां पर? एलोपैथी वाले खड़े मत होइए प्लीज। लेकिन एलोपैथी में स्वास्थ्य की व्याख्या ही नहीं है। व्हाट इज हेल्थ? नो डिस्क्रिप्शन, आई डिमांड अ डेफिनेशन। पूरे एलोपैथी को खंगाल लीजिए, आपको उसका वर्णन नहीं, डेफिनेशन नहीं मिलेगी। और आयुर्वेद ने दो पंक्तियों में जो स्वास्थ्य की व्याख्या दी है वो कमाल की है। तमदोष समाग्निश्च समधातुमल क्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना। देखो आरोग्य के अंतर्गत आयुर्वेदकार क्या कहलाते हैं, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन की प्रसन्नता भी आपके स्वास्थ्य का लक्षण है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थैत्यभिधीयते। आपको कोई मिलने वाला है? संस्कृत भाषा की ही शरण में जाना पड़ेगा मित्रों। और परसों मैंने आपको उदाहरण बतलाया था सातों लेखक जी का, जिन्होंने स्वयं इसी के बल पर 60वें वर्ष में कह दिया था कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर 100 इयर्स। आपको मैं अपने 100वें वर्ष में भी शुभकामना देने के लिए अवसर दूंगा, लेकिन मुझे पछतावा यह है कि आप में से उस समय कितने लोग रहेंगे। ऐसा सातों लेखक जी का भाषण है और उन्होंने ये कहा कि ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, वैदिक जीवन शैली जो जीवन में अपनाएगा वो शतायु होगा, यह सिद्धांत है। और मैं वैदिक जीवन शैली से जीवन जी रहा हूं, इसलिए मुझे अपने वेदों का विश्वास है कि वे मुझे 100 वर्ष की आयु अवश्य देंगे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतक समाह। आजकल जो आप लोग योग पढ़ते हैं ना, योग नहीं, आप लोग क्या करते हैं? योगा, योगा, ये अकल शून्य लोगों का उपचार है। योगा जिनको जरा ही अकल नहीं है ऐसे लोगों का उपचार है। रामा बोलते हैं, राम नहीं बोलते। शुद्ध शब्द का उच्चारण करना सीखना चाहिए। अरे विदेशी लोगों की जिह्वा हिलती नहीं है, इसलिए उन लोगों को योग बोलना नहीं आता है, इसलिए वो योगा योगा करते हैं। आप क्या को योगा योगा करते हैं? The type of people Bernard Shaw calls educated fools. I don't call, he calls. मैं क्यों कहूँ, अभी 3 दिन आपके साथ रहना है भाई। योग बोलो ना। हम ये तो मैं ऐसे ही बोल गया चलो, लेकिन हम लोग जो योग करते हैं ना, ये योगाभ्यास भी हम लोगों ने उसके एक टुकड़े को जाना है, टुकड़े को। योग इतनी छोटी बात नहीं है। हमारे योग के कितने प्रकार हैं? संपूर्ण जीवन को योगमय कैसे बनाया जा सकता? पठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, ध्यान योग, ये सब जो कुछ है, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन ये आपको अत्यंत स्वस्थ तन देती है, अत्यंत स्वस्थ मन देती है, और सारा आपका जीवित कार्य पूर्ण करने के पश्चात भी शांति से यह संसार छोड़ने की कला भी सिखा दे। दुखम बंधा प्रमुच्यते। सारा कर्म करना और करने के पश्चात भी शांति से उसको छोड़ भी देना, यह कला संसार में किस देश में आपको मिलना है?
ये दिव्यता। हमारे मंदिरों में भी आप देखेंगे, हमारे घरों में भी आप देखेंगे। और इसलिए जैसे हम अपने शरीर को, शरीर के भिन्न भिन्न इंद्रियों को सबको संभालते हैं, लेकिन सबका अलग अलग महत्व जानते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। हमारे ऋषियों ने कहा आपका घर भी एक विस्तारित शरीर है, इसलिए वो वास्तु पुरुष है। वहां पर भी आपको कहां पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि आपको वो ठीक से करना है तो और क्या सुधार उसमें करना चाहिए, ये इतना दिव्य शास्त्र कहां मिलने वाला है। एक संपूर्ण मंदिर जब बनाते हैं, मंदिर के भीतर की देवता की प्रतिमा ही केवल पूज्य नहीं मानी जाती है, उस मंदिर को ही पूज्य माना जाता है, और मंदिर को देवता का विस्तारित रूप माना जाता है। और उस ढंग से उसका निर्माण होता है, वो खाली बिल्डिंग नहीं है। मुझे पहले कभी समय नहीं मिला, लेकिन राम जी के मंदिर की सेवा करते हुए मुझे वो सब कुछ पढ़ना पड़ा, तो ध्यान में आया, मैं तो चकित रह गया, ये कैसा शिल्प शास्त्र है इस देश का। एक एक मंदिर, मंदिर की एक एक बात का विचार इतना सूक्ष्म, कितने प्रकार के यंत्र हमारे यहां है, ये सारा बहुत विलक्षण ध्यान हम लोगों को हमारी परंपरा ने दिया। वैदिक परंपरा, इतनी प्रगल्भ परंपरा रही, इसके साथ तुलना करने जैसी परंपरा संसार में अन्य किसी भी स्थान में, किसी भी भूभाग में कभी भी रही नहीं। कुछ कुछ मात्रा में ग्रीकों ने यह बात प्राप्त की, अपने अध्ययन काल में हम लोगों ने ग्रीक फिलोसॉफी की स्टडी की, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, और इन सब का अध्ययन करते समय वास्तव में मन आदर से भर जाता है कि इनके भी विचार कितने ऊंचे रहे, ग्रीस की कलाएं भी कितनी अच्छी रही, लेकिन वो ग्रीस ध्वस्त हो गया, एक आक्रमण में खत्म हो गया। इसका कारण विचार तो वहां के ऊंचे रहे, काव्य वहां का ऊंचा रहा, कला की आराधना वहां पर ऊंची रही, लेकिन समाज शास्त्र वहां का प्रगल्भ नहीं था। महाभारत का समाज शास्त्र ऐसा है, आप कला की आराधना करो, विचारों की आराधना करो, आप तपस्या भी करो, आप देव मंदिरों में जाओ, पूजाओ भी, पूजा आदि भी करो, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए जो केवल संरक्षण का काम करता रहेगा, क्षत्रिय। और उन लोगों को यही लगना चाहिए कि इस समाज की, इस देश की, इस भूमि की, इस परंपरा की रक्षा करना, इसी के लिए हमारा जीवन है। क्षात्र वर्ग, जिस ढंग का इस देश ने निर्माण किया वैसा अन्य निर्माण नहीं कर सका। मुगलों को अपने आक्रमणों के पश्चात एक एक देश को खत्म करने में अधिक से अधिक 50-60 वर्ष लगे,
लेकिन इस देश में ईसवीय सन के 7वें शतक में इन चोरों का लुटारू लोगों का आक्रमण हुआ पहला, और 18वीं सदी तक उनका राज्य चला, लेकिन वे इस देश को बदल नहीं पाए क्योंकि यहां का समाज शास्त्रीय चिंतन महाभारत पर आधारित है। और एक क्षत्र सत्ता यहां पर ऐसी खड़ी थी कि उनको ऐसे ही लगता था कि हमारा संपूर्ण जीवन केवल लोगों की रक्षा के लिए। कैसी थी यहां की क्षत्रिय सत्ता? आप लोगों को उन राजाओं के नाम पता नहीं है, 2-5 नाम आपने कल बताए, वहां पर रुक गए क्योंकि सब कुछ हम लोगों से छिपाया गया। उस क्षत्र सत्ता का भी हम लोग अवलोकन करेंगे जिन्होंने इस प्रिय भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। हम लोगों को ऐसा सिखाया गया, कहा गया कि राष्ट्र की संकल्पना हम लोगों को जो प्राप्त हुई वह अंग्रेजों से हुई। इतना जहर और इतनी अफीम हम लोगों के दिमागों में डाल दी गई। यजुर्वेद की मार्दंडी शाखा का एक अध्याय ही राष्ट्राध्याय कहलाता है। राष्ट्र कैसा होना चाहिए इसकी यहां पर जो मांग की गई है यह स्पष्ट कर देती है कि वैदिकों का प्राचीन काल से राष्ट्र का एक सुनहरा किस प्रकार का अनुभव था और सपना था। ये सारी संकल्पनाएं संसार ने भारत से पाई है, भारत ने किसी से नहीं ली है। तोड़ मरोड़ कर लिखे गए झूठे इतिहास का ये जहर हम लोगों के भीतर से निकालने की आवश्यकता है। जाएगा, द टाइम हैज कम। इस देश की छात्र सत्ता का वर्णन हम लोगों को देखना है। एक 2-5 मिनट में केवल मैं उस परंपरा को प्रणाम कर लेना चाहता हूं जिसको प्रणाम किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है, और वो परंपरा है हमारे आचार्यों की परंपरा। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज, भगवान रामानुजाचार्य महाराज, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाराज, श्री निम्बार्काचार्य महाराज, मध्वाचार्य महाराज और इस प्रकार के अन्य हमारे जो आचार्य हैं, राष्ट्र की संस्कृति को बांधने के लिए, देखो राजनीति यह हमारे राष्ट्र का हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर तो यह धर्मनीति है। इसलिए इन आचार्यों की अपनी महत्ता, इस देश की प्रगल संस्कृति की प्रगल्भता को गहराई प्रदान करने के लिए जो इतिहास ने देखी वह केवल अद्भुत है। सर्वम पदम हस्तिपदे निमग्नम, एक महान आचार्य को देख लेते हैं तो बाकी सब आचार्यों का थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसी प्रकार का जीवन हम लोगों को दिखता है। भाई 1000 वर्ष पहले एक बालक केरल से निकलता है जिसका बचपन का नाम शंकर है। और सन्यास की आत्यंतिक तीव्र लालसा, माता पिता का इकलौता पुत्र है शिव गुरु और आर्यांबा, ये भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के माता पिता के नाम है।
केरल प्रदेश का कार्डी ग्राम उनका ग्राम है। शंकराचार्य नाम से लोगों को भ्रम होता है कि वे शैव थे और शिव जी के उपासक थे। यह भ्रम भी लोगों के दिमाग में बहुत भरा हुआ है। पता यह होना चाहिए कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की कुल देवता श्री कृष्ण है। आज भी आप कालड़ी जाकर के देखेंगे तो उनके घर के सामने कृष्ण भगवान का मंदिर है और वे उनकी कुल देवता है। उनकी माता जी ने अपने निधन के समय यही कहा था, शंकर मुझे कृष्ण का दर्शन। और भगवान आचार्य ने उस समय जो स्तोत्र गान किया, प्रिया श्रिष्टो विष्णु तिरचर वपुर वेद विषयो धियाम साक्षी शुद्धो हरिरसुर हंताब्ज नयन गदी शंखी चक्री विमल वनमाली स्थिर रुचि चरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो अक्षि विषया, कृष्ण मम अक्षि विषया भवतु। मैं दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, कृष्ण भक्ति के जितने ललित सुंदर स्तोत्र आपको भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के मिलेंगे वैसे किसी के भी नहीं मिलेंगे। मैंने सब आचार्यों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उनका स्तोत्र वांग में भी ठीक से देखने का प्रयास किया है। जो लालित्य आचार्य जी की भाषा में अविनयम अपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृग तृष्ण भूत दयां विस्तारय तारय संसार सागरत दिव्य धुनी मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भवभय खेद चिदे वंदे। ये कहां मिलना है? केरल से निकला हुआ वो बालक और अपनी मां के पास हट करके निकला हुआ, मुझे संन्यास लेना है। अष्टमे चतुरो वेदा द्वादशे सर्वशास्त्र में 8 वर्ष की आयु में जिसका वेद का अध्ययन पूरा हो गया, 12 वर्ष की आयु में जिसका शास्त्राध्ययन पूरा हो गया, वो केरल के केरल में घूम फिर करके घिस पिट करके खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरी भारत माता दिख रही थी। उसको यह नहीं लगा कि मैं केरल का हूं। किसी भी सनातन धर्मी को यह लगता नहीं और लगना नहीं चाहिए कि मैं किसी प्रदेश का हूं, सबको यही लगना चाहिए मैं भारत का हूं, भारत मेरा है। जन्म तो किसी न किसी प्रदेश में लेना ही पड़ता है, माता पिता तो किसी न किसी जाति और वर्ण के प्राप्त करने ही पड़ते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन सांस्कृतिक जागरण उसे कहते हैं जब अपने सामने संपूर्ण भारत का दृश्य, संपूर्ण भारत। जो स्तोत्र मैंने अभी कहा कि आशिष्टो विष्णु, अपनी माता जी को अंतिम समय में कृष्ण भगवान के दर्शन देने के लिए उन्होंने गाया,
और जैसे जैसे वो गाते गए कृष्ण भगवान प्रकट होकर के माँ को दर्शन दिए, कृष्ण के दर्शन। समर्थ रामदास स्वामी ने अपनी माँ के अंतकाल में भगवान श्री राम का दर्शन कराया। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपनी माँ के अंतकाल में कृष्ण भगवान का दर्शन कराया। लेकिन ये छोरा जो निकला संन्यास की तीव्र आकांक्षा अंतकरण में, लेकिन संन्यास का एक नियम होता है, मां की अनुमति के बिना संन्यास नहीं लिया जाता। यदि विवाह हुआ है तो पत्नी की अनुमति लेनी पड़ती, और विवाह नहीं हुआ है तो मां की अनुमति लेनी पड़ती। इसका अर्थ क्या हुआ है पता है आपको? ये सब बाबा लोग आप माई लोगों के पराधीन है। आप लोग बोलेंगे तब जाकर के कोई बाबा बन सकता है, नहीं तो बन नहीं सकता। पिता की अनुमति हो चाहे ना हो, मां की अनुमति चाहिए, यही शास्त्र ने कहा है, और पत्नी की चाहिए। अब कौन मां अपनी, अच्छा इकलौता बेटा, भगवान आचार्य ने भी एक दिन आइडिया कर लिया, शायद कभी बंबई आकर के गए होंगे तो उनको आइडिया सूझ गई। पूर्णा नदी पर स्नान के लिए गए, एक मगर ने उनको पकड़ लिया, वो चिल्लाए मां मां, अब मां बाहर खड़ी नदी के बाहर, और ये बहता जा रहा है, मगर ने पकड़ लिया। छोटे शंकर ने कहा मां संन्यास की अनुमति दे दोगी तो ये मगर मुझे छोड़ देगा, अब अपना बेटा मर रहा हो तो कौन मां ऐसी है जो अनुमति नहीं देगी। उसने कहा ठीक है संन्यास ले लो, अनुमति है। मगर ने छोड़ दिया, पकड़ा था कि नहीं पता नहीं। ये बात थोड़ी वैसी ही है जैसे दुर्योधन आया और सिरहाने बैठ गया, और अर्जुन आए चरणों में बैठ गए भगवान के, और फिर भगवान की नींद खुली, लगी थी कि नहीं पता नहीं। अर्जुन के आने के बाद खुली। रोती हुई मां ने कहा तुम संन्यास ले लोगे, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मेरा अंत्येष्ट कर्म तुम्हारे हाथों से हो, कैसे होगा? माताओं का सम्मान इस देश ने कितना किया ये बतलाता हूं आपको। भगवान आचार्य ने कहा मां तुम मुझे संन्यास की अनुमति दे दो, मैं अपने हाथों तुम्हारा अंत्येष्ट कर्म। आने का तुम कैसे करोगे, सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करता। तो छोटे शंकर ने कहा मां मैं सारे पंडितों को बतला दूंगा कि मां ने मुझे अनुमति इस शर्त पर दी। चले कहां आए, हाउएवर पर्सनैलिटी शुड बी ऑल इंडियन पर्सनैलिटी, इसको समझो। मध्य प्रदेश में आए, ओंकारेश्वर स्थान में आए, वहां उन्हें उनके सदगुरु प्राप्त हुए गोविंद पादाचार्य। नर्मदा के तट पर गोविंद पादाचार्य से दीक्षा लेकर के उन्होंने अपना साधन पूर्ण किया, और उसके पश्चात वे स्वयं
उनकी आज्ञा के अनुसार काशी के लिए जाए। विस्तार नहीं करता हूं, साक्षात भगवान विश्वनाथ का दर्शन एक चांडाल के रूप में। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने दिव्य मनीषा पंचक वहां पर लगाया। बद्रिक आश्रम में रहते हुए उन्होंने भाष्य को पूर्ण किया और भाष्य को पूर्ण करते समय वृद्ध के रूप में आकर के भगवान वेद व्यास जी बैठे और कुछ आशंकाएं पूछते हैं। भगवान उन आशंकाओं का निराकरण करते रहे। बाद में ध्यान में आया कि इतनी आशंकाएं पूछने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता है। पहचान लिया ये साक्षात भगवान वेद व्यास। वेद व्यास चिरंजीव है, आज भी है। आचार्य जी ने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान वेद व्यास महामुनि ने कहा, अरे मेरे सूत्रों का सही सही अर्थ तुमने प्रतिपादित किया है, मैं तुम्हारी आयु दुगनी करता हूं। 16 वर्ष की आयु मिली थी उनको, भगवान वेद व्यास जी की कृपा से यह आयु उनकी 32 वर्ष की हुई और 32 वर्ष की इस आयु में उन्होंने स्थानत्रयी के भाष्य के अलावा जहां जहां जिस मंदिर में गए, जिस तीर्थ में गए, उस देवता का वो सुंदर स्तोत्र लिखा, उनके साथ तुलना करने जैसा स्तोत्र किसी के द्वारा नहीं लिखा। मैं बहुत हिम्मत के साथ ये बातें बोलता हूं क्योंकि मैं सब संप्रदायों को जानता हूं। भगवान जगन्नाथ का जो स्तोत्र, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत, अरे संप्रदाय किसी का भी हो एक बात ध्यान रखना, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का केवलाद्वैत, रामानुजाचार्य महाराज का विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य महाराज का द्वैताद्वैत, महाप्रभु वल्लभाचार्य महाराज का शुद्धाद्वैत और मध्वाचार्य महाराज का द्वैत, ये सारे दार्शनिक तर्क कुतर्क वितर्क कितने भी हो, लेकिन मुख्य बात यह कि भक्ति सबकी एक है, भक्ति में सबका एक मत है। सभी के सभी आचार्यों ने भक्ति का प्रतिपादन किया। पागल लोगों को लगता है कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज भक्ति के प्रतिपादक नहीं, उनके जितना प्रबल तो कोई नहीं है। मोक्ष कारण सामग्रिया भक्ति रेव गरीयसी, ज्ञान के पूर्व होने वाली आराधना को वे उपासना कहते हैं और ज्ञानोत्तर उसको रूप भक्ति का आता है। इसलिए वेदों में 3 कांड है, कर्मकांड है, उपासना कांड है, ध्यान कांड है। लोग पूछते भक्ति कांड कहां है, मैंने कहा भक्ति कांड नहीं है, भक्ति तीनों कांडों के पश्चात प्राप्त होने वाला फल भक्ति है। स्वयं फल रूपे थे ब्रह्म कुमार, नारद जी का सूत्र है। कर्मकांड से चित्त की शुद्धि, उपासना से चित्त की एकाग्रता, ज्ञान से अविद्या का निरसन, मोक्ष और उसके पश्चात का रसास्वादन वो भक्ति। भेदापगमे नाथ तवाहं नमामकी नास्त्वं, भगवान आचार्य के शब्द है। अद्वैत ही ये बात सत्य है, लहरों का और समुद्र का अद्वैत ही होता है, लेकिन समुद्र की लहर कहलाती है, लहर का समुद्र नहीं कहलाता है। वैसे ठाकुर नारायण, मैं आपका हूं, मैं आपका भक्त हूं।
ये भक्ति भगवान आचार्य की ज्ञानोत्तर भक्ति सर्वोपरि गज। अधिक विस्तार नहीं करता मैं विषय को, लेकिन इस आचार्य परंपरा ने, ध्यान रखना, इस आचार्य परंपरा ने हमारी वेदों की सारी धारणाओं को, वेदांत की सारी धारणाओं को तर्क शुद्ध तर्कनिष्ठ रूप दे दिया। और ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि आखिर होता ऐसा है, यदि तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं करेंगे तो पता नहीं अगली पीढ़ियां उसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए तर्क सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तर्क को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमारे समस्त आचार्यों ने अपनी प्रगल्भ बुद्धि से इस काम को किया। समय मिला तो विस्तार करेंगे, नहीं तो देखेंगे। ये सब हमारे देश में चलता रहा। विज्ञान की शाखा भी हमने देखी तो ज्ञान का थोड़ा चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये देश, इस देश की ये परंपरा अत्यंत कठिन प्रसंगों को भी पार करती हुई बची रही। आपको इतिहास का एक सिद्धांत बतलाता हूं, सारे इतिहासविदों ने इसको मान्य किया है। मुगलों का आक्रमण जिस जिस देश पर हुआ और जहां उनका राज्य 70-75 वर्षों तक रहा, वो सारे अधिकतम कुछ कुछ देश तो 8 वर्ष में ही खत्म हो गए, 7-8 वर्षों में खत्म हो गए। लेकिन अधिकतम इतने वर्षों तक राज्य रहने के पश्चात बचा हुआ कोई देश नहीं है। सारे के सारे देश इस्लाम में हो गए। कितने वर्षों में? अधिकतम 70-75 वर्षों में। और सारे के सारे इतिहासकार एक मत से कहते हैं, द ओनली एक्सेप्शन इज इंडिया, दैट इज भारत। एकमात्र अपवाद भारत है। इसके ऊपर लगभग 1000 वर्षों तक इनका कुशासन चलने पर भी ये देश अपने सनातन धर्म को बचाए रख सका, अपनी परंपरा को टिका सका। यह चमत्कार जिस कारण हुआ उस पे अन्य कारणों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की क्षात्र सत्ता अत्यंत विलक्षण थी। सामान्यतया लोगों को हमारे देश की क्षत्रिय सत्ताओं का ही नाम पता नहीं होता है। एक लंबी सूची में आपके सामने पढ़ने वाला हूं, शांति के साथ थोड़ा सुन लीजिए। इसलिए सुन लीजिए कि इन राजवंशों के कारण हम लोग बचे हैं और इनका हम लोगों को पता नहीं है। मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता भी होती है। आपको एक जाते जाते एक बात बतलाता हूं। सिंध के ऊपर जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उस समय उसके साथ युद्ध करने वाला राजा दाहिर, उसे उसके साथियों ने कहा, कह रहे तुम भाग जाओ, हमने तुम्हारे परिवार के भाग जाने की व्यवस्था कर ली है, तुम भाग जाओ। दाहिर ने कहा, नहीं,
मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, भाग नहीं सकता, मेरी प्रजा को ऐसे छोड़ करके मैं नहीं भाग सकता। इतिहास मुझे क्या कहेगा? अब मुझे लगने लग गया है, उसने कहा, अब मुझे लगने लग गया है कि कदाचित हम जीतेंगे नहीं, लेकिन इतिहास में मेरा नाम गौरव के साथ लिया जाएगा कि अंतिम क्षण तक मैं लड़ता रहा। यह दाहिर ने कहा, लेकिन हमारा इतिहास उसको भूल गया। उसके पूर्व उसने किस प्रकार का पराक्रम किया था? हम इतने कृतज्ञ हैं कि हम सब लोगों ने और जिन लोगों ने इस देश के इतिहास को विकृत करके हमारे मगज में भर दिया, उन सब लोगों ने ऐसे त्यागी सत्पुरुषों का नामो निशान मिटाने का प्रयास किया। मैं आपको परसों बताऊंगा, पूछूंगा मैं आपको कि ये नाम आपको पता है, और मुझे पक्का विश्वास है 100% किसी को भी पता नहीं। ऐसे कितने नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, गॉन अनसंग, न उनको किसी ने तर्पण किया, न किसी ने उनके गीत गाए, लेकिन उनके कारण हम बचे हैं। उनके कारण प्रेमपुरी में बैठ करके हम वेदांत का चिंतन कर पाते हैं। महाभारत का सिद्धांत ध्यान में रखिएगा मित्रों, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शास्त्र उसी देश के बचते हैं जिस देश का संरक्षण शस्त्रों के बल पर पहले किया जाता है। इज़राइल के पास आज शस्त्र नहीं होते तो इज़राइल का क्या होता, आप कल्पना करो। ये शस्त्र भी होने पड़ते हैं, और इस शस्त्र को लेकर के खड़े होने वाले राजवंश भी खड़े होने पड़ते हैं। कम से कम हम लोग अपने शब्दों से उनको याद तो करें। मेरा पक्का विश्वास है आने वाले दिनों में इन्हीं के ऊपर ग्रंथ लिखे जाने वाले हैं, और इन्हीं को लोग मस्तक पर लेकर के नाचने वाले कि इन्होंने रक्षण किया। लेकिन उस दौर का आरंभ होना चाहिए, उनके नाम गौरव के साथ लिए जाने चाहिए। हमारी परंपरा में दादाजी का 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करने की परंपरा, ये श्राद्ध के दिन है ना, तो हमारे दिवंगत पिता को याद करें, दादाजी को याद करें, परदादाजी को याद करें, दैट्स फाइन, वो होना ही चाहिए। परिवार को बचाने वाले हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, तो सारी संस्कृति को, राष्ट्र को बचाने वाले इन क्षत्रियों को कौन याद करेगा, बोलो। दैट्स अवर ड्यूटी। और जो राष्ट्र अपने पुराने त्यागी विरागी वीर पुरुषों को भूल जाता है, वो अपना भविष्य भी निर्माण नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात जितने लोगों ने प्रेरणा पाई और राष्ट्र कार्य किया है, सब लोगों के दिमाग में शिवाजी भरा हुआ था, इसलिए वो काम कर सके। ध्यान जस्ट रिमेंबर हिम, एंड एक पौरुष आता है भीतर, शिवाजी को कल देखेंगे, लेकिन ये सारे राजवंश कैसे हैं? सबसे पहला राजवंश इस देश का विवस्वान राजवंश, विवस्वान मनवे प्राह मुनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, वहां से आरंभ होता है। फिर पुलस्त्य, इक्ष्वाकु, निमि, रघु, ययाति, यदु, पुरु, भरत, वृष्ट, ये सारे राजवंशों के नाम हैं, और क्रम से इसी क्रम से इन सारे राजाओं ने जो राज्य किया है, इसका पूरा वर्णन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो भी आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग यू विल फाइंड ऑन विकिपीडिया।
टुक्कुर राजवंश, शूरसेन राजवंश, अजमीर राजवंश, कुरु, कौरव, पांडव, गांधार, बृहद्रथ, गोपाल, सिंधु, मद्र, शाक्य, सौवीर, ईस्वी सन 1182 बीसी की बात कर रहा हूं। ईसा के पूर्व 1100 वर्ष पूर्व जो वंश राज कर रहा था वो गोनादित्य, इन सारे राजवंशों के डेट्स यहां पर मेरे पास है। सब पढ़ता नहीं हूं, इतना समय नहीं है, लेकिन कभी तो भी आप इस पुस्तक को अपने जीवन में देखिएगा। सारे हिंदू राजवंशों का वर्णन इसमें है। और ये पुस्तक मेरे एक मित्र जो कनाडा में बैठे हैं, जीवन की बाजी लगा करके उन्होंने लिखा है। उनका नाम रत्नाकर नराले, जिनका जितनी बार मैं जाता हूं सम्मान करके आता हूं। अवंती का प्रद्योत राजवंश, हरियक, शिशुनाग, नंद राजवंश, जिसका नाश चाणक्य ने किया, नंद क्योंकि उन्मत्त हो गया था, फिर मौर्य, फिर सातवाहन, शुंग, प्रतापादित्य, कणव, कुषाण, चोल, पांड्य, थाईलैंड का फुनान राजवंश, फिलीपीन का हिंदू राजवंश, बर्मा का हिंदू राजवंश, नाग, वियतनाम का चंपा राजवंश, ये सब हिंदू थे, नेपाल का सोम राजवंश, वाकाटक, गुप्त, नल, लिच्छवि, पल्लव, कदंब, गंग, वर्मा, आहोम, आसाम का राजवंश आहोम, आहोम से ही आसाम आया, त्रिकूटक, परिव्राजक, उच्छलप, गुर्जर, श्रीलंका का पांड्य, चालुक्य, मैत्रक, राय, मौखरी, महिष्मति, शशांक, राष्ट्रकूट, करकोट, शैलेंद्र, सुमात्रा, चौहान, चापोतकट, चालुक्य, गंग, बाण, सैंधव, किलाहार, परमार, राष्ट्रकूट, चंदेला, रक्त, चुड़ासमा, सोलंकी, गुजरात के सोलंकी, सोलंकी होते ना गुजरात में, हाँ, अहिया तमारो नाम छे, मारा पोथी में लख्यू छे। कश्मीर का प्रवरगुप्त, राजस्थान का चौहान, वरंगल का काकतीय, रत्नपुरी का कलचुरी, द्वार समुद्र का होयसल, लंका का चोल, किशोदिया, बुप्पदेव, बल्लार, जाडेजा, चेना कच्छ सौराट, हाँ जो तुम्हारा पूर्वजों ने याद करो, राठौर, किशोदिया, चौहान, कुड़ाविदु, बूंदी के चौहान, ग्वालियर के तोमर, त्रिपुरा का माणिक्य, बीकानेर का राठौर, मेवाड़ का केलाड़ी, तंजावर का नायक, चेन्नई का नायक, किशनगढ़ का राठौर, ये तो काम वैसा हो गया। आपने वो अपने वंशावली पढ़ने वाले लोगों को सुना है कि नहीं कभी? ये खून हमारी धमनियों में बहता है, इसका साक्षात्कार कराने के लिए ही भारत भक्ति कथा है, ध्यान रखना। इनका खून हमारी धमनियों में बहता है। नागपुर का भोसले, तंजावर के भोसले, कुलाबा के आंगरे, कोल्हापुर के भोसले, पुणे के पेशवे, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, भरतपुर के
सिंह, त्रावणकोर के वर्मा, वाराणसी के नारायण, केंडी के नायक, चित्तूर की चन्नम्मा, थाईलैंड का राजवंश राम, वहां पर राम शब्द का बहुत महत्व है आज भी थाईलैंड में, कश्मीर के डोगरा, झांसी के नेवालकर, और रामगढ़ मध्य प्रदेश का रानी अवंतीबाई। इन राजवंशों में अंतिम राजवंश है झांसी की रानी का नेवालकर वंश, वहां आकर के हमारी राजसत्ता समाप्त हुई। ये सभी के सभी क्षत्रिय अपने अपने स्थान पर इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते रहे। ध्यान, भारत का इतिहास पराभव का इतिहास नहीं है, संघर्ष का इतिहास, और ये संघर्ष बड़ा भीषण संघर्ष रहा। राजवंशों के केवल नाम मैंने पढ़े, इसमें हर वंश में कितने कितने राजा हुए इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपको यहां पर मिलेगा। अब वो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन केवल आपको संकेत करके बताता हूं कि इन सारे राजवंशों के सारे राजाओं के नाम विद देयर डेट्स आपको सब के सब उपलब्ध हो जाएंगे, जो भारत में छिपाए गए लेकिन सोशल मीडिया के कारण लोगों के आने आगे लाना संभव हो सका। इनमें से केवल एक राजवंश के नाम पढ़ लेता हूं, जो ग्वालियर का सिंधियाओं का राजवंश है। इनके प्रथम राजा हुए दत्ताजी शिंदे, फिर जनको जी, फिर राणो जी, फिर दत्ता जी, फिर जनको जी सेकंड, फिर कदरा जी, फिर माना जी, फिर महाज जी, फिर दौलत राव, फिर जनको जी, फिर जयाजी राव, फिर माधव राव, और उसके पश्चात जीवाजी राव। ये सारे के सारे अपने राज्यकाल में कितने वर्षों तक राज किए उनका भी पूरा वर्णन आप लोगों को इसमें उपलब्ध होगा। इन सारे के सारे राजाओं को, इन हमारे देश के क्षत्रपों को, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा करने में, संस्कृति की रक्षा करने में योगदान दिया, उनको इस श्राद्ध पर्व में श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस देश के इतिहास का भीषण पर्व आरंभ करने के लिए, कितना महान था राष्ट्र हमने देखा, कैसी समृद्धि यहां पर थी हमने देखी, विद्या का वैभव कैसा था देखा, और यह स्थिति ईस्वी सन 7वें के दशक तक वैसी की वैसी थी। उसके पूर्व भी इस देश के ऊपर आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों को पचा लिया गया, लेकिन बाद में जो आक्रमण हुआ वह एक अत्यंत विचित्र सर्वंकष आक्रमण था, जिसकी ओर हम चलते हैं। अत्यंत प्रगल्भ, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत समृद्ध, अत्यंत शालीन, अत्यंत सुसंस्कृत, सभ्य समाज इस देश में निवास करता रहा, और इस देश की समृद्धि लगातार बढ़ती ही रही।
ये देश सबसे समृद्ध देश रहा था। इसको लूटने का प्रयास जिन लोगों ने किया उनकी ओर तो हम चलते हैं, लेकिन इस देश की उस समृद्धि का और अखंडता का सत्य जिनके गले नहीं उतरता है, जिन्हें इसके बारे में असूया है और जिन्होंने जानबूझ करके इस देश को खंडित करके पराभूत करने के लिए इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए प्रयास किया, ऐसे जिन लोगों ने इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और उसको पूरी तरह विकृत बनाया, उसके लिए उन लोगों ने जिन सिद्धांतों का उपयोग किया वो पहला सिद्धांत था द थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। आर्यों ने इस देश के ऊपर आक्रमण किया। स्वामी विवेकानंद ने अहिंसा, मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी का मत तो आपको परसों बता दिया था, उन्होंने कहा कि यह मूर्खता की थियरी कभी की फेंक देनी चाहिए थी, काय को अभी भी विद्यालय में पढ़ाई जाती है, अभी भी यही विद्यालय में पढ़ाया जाता है, आपके दिमाग में भी यही भरा हुआ है। जबकि 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा स्ट्रेंज, इट्स स्ट्रेंज दैट आवर इंडियन स्कॉलर्स टू से अमेन टू देम एंड ऑल दिस मॉन्स्ट्रस लाइज आर बीइंग टॉट टू अवर यंग बॉयज। ये सारा झूठ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तब भी पढ़ाया गया, अब भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आकर के बैठ गए। ये सारे गुलाम और अभी अभी तो ऐतिहासिक खोजबीन ये बताती है कि उनका इनके वंश भी विदेशी है जो शासक रहे थे, पता नहीं वंश का तो पता नहीं, लेकिन इनकी बुद्धि विदेशी है इसमें तो कोई संशय ही नहीं। और इसलिए ये देश अखंड रूप में स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सोचने वाले लोग उस समय से रहे, इस देश को स्वतंत्रता देनी भी हो तो इसके 16 टुकड़े करके स्वतंत्रता देनी चाहिए। 16 टुकड़े क्या होता आप विचार करो, जबकि चाणक्य का यह कहना था कि आसे तो हिमाचल संपूर्ण भारत राष्ट्र का एक राजा होना चाहिए, और वह चाणक्य ने करके दिखाया चंद्रगुप्त के माध्यम से। इसीलिए उस समय की सेनाएं भारत में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन ये झूठ अभी भी हम लोगों को तो सिखाया ही जा रहा। बड़ी विचित्र बात यह है, देयर इज वन फ्राउलिट डायलेमा। ये डायलेमा क्या है, आप लोगों ने यही पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो में एक संस्कृति थी और उसके ऊपर आक्रमण आर्यों ने आक्रमण किया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो संस्कृति उत्खनन करके प्राप्त हुई उसका कोई भी लिटरेचर का एक पन्ना भी कहीं पर नहीं मिला है, माइंड वेल। और आर्यों का सारा लिटरेचर उपलब्ध है, साहित्य उपलब्ध है, लेकिन यह साहित्य निर्माण कहां हुआ वो खोजबीन करने पर भी कहीं पर नहीं मिलता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सिंधु सरस्वती के उस आंचल की गोदी में मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये जो हरियाणा के आज के विभाग हैं,
वहीं पर यह आर्य साहित्य प्रगल्भता को प्राप्त हुआ। साहित्य नहीं है और उत्खनन में घर मिलते हैं, नगर मिलते हैं, घर भी मिल गए, नगर भी मिल गए, सारी व्यवस्थाएं मिल गई, सिक्के मिल गए, खेल मिल गए, खिलौने मिल गए, ढांचे मिल गए, साहित्य नहीं मिला। इन कुटिल लोगों ने इस साहित्य का और उस स्थान का डाइवोर्स करा दिया, उनको अलग अलग कर दिया। हमारे देश के अत्यंत श्रेष्ठ विचारकों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि जिसे आप आर्यों का साहित्य कहते हैं वो सारा साहित्य वहीं पर निर्माण हुआ है। और मुख्य बात, आक्रमण का एक भी इतना सा भी कहीं पर भी सबूत उपलब्ध नहीं हुआ है। जरा सा भी ट्रेस नहीं, लेकिन आक्रमणों की थियोरीज या आक्रमणों के सिद्धांत हमारे ऊपर थोप दिए गए। और यह इसलिए थोप दिया गया कि अंग्रेजों को नैतिक बल मिल जाए कि भैया जिस प्रकार हम लोग बाहर से आए हैं उस प्रकार आप लोग भी बाहर से आए हैं, तो आप लोगों को यहां के आदिवासियों पर आक्रमण करने का अधिकार था, तो हमें भी आपके ऊपर आक्रमण करने का अधिकार है। सगड़े ऊपरे यह प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने नैतिक अधिकार को लूट खसोट करके प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की थ्योरीज को लाया। लेकिन संस्कृत का अध्ययन करने वाले और संस्कृत दो प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने इन सारी बातों को जड़मूल से नष्ट कर दिया। सिंधु और सरस्वती के तट पर वैदिकों की यह संस्कृति विकसित हुई और यह कितनी प्रगल्भ थी, कितनी समृद्ध थी, इसका अवलोकन हम लोगों ने किया। इस संस्कृति के ऊपर सबसे पहला आक्रमण असीरियन रानी सेमीरेमिस के द्वारा किया गया। अब ये कौन थी, क्या थी, उसका सब इतिहास है। अपने पति को मार करके रानी बन गई थी, बड़ी लंपट थी। उसने अपने सैनिकों के बल पर आक्रमण किया, बुरी तरह हार करके उस सेना को उखेड़ दिया गया। यह पहला आक्रमण है भारत के ऊपर हुआ। दूसरा आक्रमण ईसा पूर्व 535 के समय हुआ। फारसी सम्राट साइरस द ग्रेट उसने ये किया। शिशुनाग राजवंश की सत्ता उस समय भारत में थी और उन्होंने सिंधु नदी से ही उसको पराभूत करके भेज दिया। इसके पश्चात सारे लोगों के दिमाग में जो आक्रमण बैठा है वो सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। पर अलेक्जेंडर के आक्रमण के बारे में अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको कहना है तो आप कहो, क्योंकि आपके दिमाग में वही घुसा हुआ है। लेकिन वो जगत जेता नहीं था, उसने विश्व को जीत लिया, भारत को भी जीत लिया। यह सारा वर्णन हमारे माथे मारा गया है। यूनानी इतिहासकार ट्रेवी ने लिखा है, जनरली स्पीकिंग द मैन हु हैव रिटन ऑन द अफेयर्स ऑफ इंडिया वेर ए सेट ऑफ लायर्स
झूठ बोलने वालों का एक यह जथा भारत की सारी संस्कृति को खराब करने के लिए इसके इतिहास को विकृत करता गया। ऑफ दिस वी बिकेम मोर कन्विंस्ड व्हाइल्स राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के इतिहास का अध्ययन करते समय इसका हम लोगों को पता चल गया कि लोग कितना झूठ बोले हैं। इस अलेक्जेंडर ने आक्रमण तो किया था, यह बात सत्य है, लेकिन पोरस ने उसे इतनी शिकस्त दी और इस प्रकार से उसको प्रतिकार किया कि वो जीत नहीं पाया। लौट क्यों गया? उसके ध्यान में एक बात आ गई, एक समझौता किया गया कि हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमें प्लीज जैसे तैसे यहां से ठीक से लौटने तो दो, अंबी के साथ होने वाले युद्ध के पश्चात। अलेक्जेंडर ने सोचा था हम आगे बढ़ेंगे, मगध तक बढ़ेंगे, लेकिन पोरस के द्वारा किया गया प्रतिकार इतना भयंकर था कि सारे ग्रीक सैनिक घबरा गए, वो थक भी गए और उनका हम तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे तैसे हमें वापस लौटा। पोरस की उदारता थी, पोरस का दिलदार अंतकरण था और भारत की परंपरा में पराभूत शत्रु को मारने की परंपरा नहीं, उनके सिर काटने की परंपरा नहीं थी, उनको कष्ट देकर के उनके शवों का अपमान करने की परंपरा भी नहीं थी। जब उसने कहा कि हमें लौट करके जाने दो, तब समझौता किया गया और उनको लौटने की जो व्यवस्था पोरस के द्वारा दी गई, उन सारे सैनिकों ने उत्साह से उत्सव मनाया कि हम सुरक्षित लौट रहे हैं। अलेक्जेंडर के सैनिकों के द्वारा मनाया गया उत्सव ये विजय का उत्सव नहीं था, सुरक्षित लौटने की सुविधा मिल गई इसका उत्सव था। लौटते समय रास्ते में ही वो इतना थक भी गया था, इतना बीमार भी हो गया था, उसकी मृत्यु मार्ग में हो गई। सोने की चिड़िया जीतने के लिए आया हुआ था, लेकिन बेचारा सिंध से ही लौट करके चला गया। उसको आप जगत जेता कैसे कह सकते हैं? हमारे माथे पर यही मारा गया। उसको जीतना था तो और आगे बढ़ता। इसके पश्चात कुषाण राजा ने आक्रमण किया, उसने कुछ प्रदेश जीत भी लिया, हूणों ने भी आक्रमण किया, उनके काबिलों ने भी कुछ विजय प्राप्त की, लेकिन बड़ी विशेष बात यह कि ये कुषाण और हूण ये यहां पर विजय के लिए आए, कुछ कुछ विजय प्राप्त करने के पश्चात ये पराभूत भी हुए और धीरे धीरे ये इसी संस्कृति में समा गए, उन्होंने इस संस्कृति का पूरा स्वीकार कर लिया। इसलिए आज हम ये पहचान नहीं पा सकते हैं कि किनके पूर्वज हूण थे और किनके पूर्वज कुषाण थे। सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति की पाचन शक्ति इतनी अधिक थी कि हम आने वाले सबको पचा सकते थे। इसलिए सातवीं शताब्दी तक भारत के इतिहास में
जो 5 आक्रमण हुए उनमें से एक भी सफल नहीं रहा, या तो विफल करके उनको वापस लौटा दिया गया या यहां पर अपने समाज में स्थान दे करके उनको पचा लिया गया। इसके पश्चात का जो आक्रमण इस देश के ऊपर हुआ और सारे संसार में जो चला, जिसका आरंभ मदीना से हुआ, मक्का से हुआ, अरबों से हुआ, इसने केवल भारत के लिए नहीं सारे संसार के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। ये चुनौती इसलिए थी कि यह आक्रमण, अब तक के जो आक्रमण हुए थे वे लूटपाट करके और चले जाने वाले लोगों के थे, लेकिन इसके पश्चात जो आक्रमण हुए हैं मक्का मदीना से चले हुए, उन आक्रमणों का उद्देश्य केवल लूटना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं था, जमीन प्राप्त करना नहीं था। तो शत्रु की सारी संस्कृति को खत्म करना यह सर्वंकष आक्रमण है, और ऐसा आक्रमण भारत ने कभी देखा नहीं था। हमारे भारत के जितने भी क्षत्रिय रहे ना, वो बहुत सज्जन रहे, क्योंकि वे धर्म युद्ध लड़ते रहे। इस संस्कृति ने सभ्यता सिखाई, युद्ध भी करना है तो उसके नियम होने चाहिए, ये बताया। महाभारत में आप जब भीष्म पर्व का आरंभ होता है, युद्ध का आरंभ भीष्म पर्व ही हुआ, भगवद गीता का उपदेश हुआ, बाद में युद्ध का आरंभ हो गया। भीष्म पर्व के प्रथम ही अध्याय में आप देखते हैं दोनों ओर की सेनाओं के सेनापतियों ने बैठ करके युद्ध के नियम तय किए। और क्या क्या नियम तय किए, तो भाई देखो, युद्ध करते समय योद्धा के साथ युद्ध करना है, उसके सारथी को नहीं मारना है। जिस योद्धा के हाथ में जो शस्त्र है उसी शस्त्र से उसका प्रतिकार करना है। मैं गदा लेकर के आया हूं, सामने वाला तलवार लेकर के आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, फिर यदि कोई एक व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा है तो उन दोनों को लड़ने दिया जाना चाहिए, तीसरा बीच में नहीं घुसेगा। युद्ध के समय बाजे बजाए जाते हैं, उन वादकों को कोई नहीं मारेगा। युद्ध के समय शस्त्रास्त्रों का वहन करने के लिए कूलीज, ये हमाल लोग आते हैं, भारवाहक, उनके ऊपर कोई शस्त्र नहीं चलाएगा। जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उसके ऊपर कोई वार नहीं करेगा। जो शस्त्र को त्याग करके साइड में खड़ा हो गया वो बड़े खड़ा रहे, उसको मारना नहीं। अच्छा, कोई गाफिल है उसको ऐसे नहीं मारना, उसको चुनौती, ए मैं आ रहा हूं, चुनौती दे करके सावधान करके फिर वार करना। सूर्यास्त के पश्चात कोई किसी को नहीं मारेगा। जो युद्ध को छोड़ करके भाग रहा है उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करेगा। मूल बात क्या है, हिंदुओं के रक्त में ये सारे के सारे नियम घुसे हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खेल खेलते समय खेल के कुछ नियम होते हैं ना, ये सारे नियम उस प्रकार के हैं। मतलब युद्ध युद्ध नाम का खेल खेलना, और उसी को धर्म युद्ध माना जाता था।
कभी कभी आपस में भारत में लड़ने वाले राजा लोग भी इसी प्रकार से लड़ते थे। महाभारत में भी कोई भी इन नियमों को तोड़ करके नहीं लड़ा है। इन सारे नियमों का पालन करने वाले इस समाज के ऊपर एक ऐसे समाज ने आक्रमण किया है, एक ऐसे झुंड ने, एक ऐसे कबीले ने, एक ऐसी टोली ने आक्रमण किया है, जिनको केवल लूट नहीं चाहिए थी, जिनको केवल संपत्ति नहीं चाहिए थी, जिनके सामने सबसे बड़ी बात थी संपत्ति को तो लूटो लेकिन महिलाओं को लूटो, महिलाओं को भगा करके ले जाओ। आप आज भी इजराइल में देखेंगे यही किया इन लोगों ने, आप भारत में भी यही देखेंगे। लूटने जैसी संपत्ति तो महिलाएं, उनको लूट करके लेना ले जाना। एक बार सामने वाले के प्रार्थना स्थल मंदिर उनको तोड़ना, विध्वंस करो, सामने वाला विधर्मी है, बिना कारण उसको काट डालो। अच्छा वो उसके हाथ में शस्त्र है कि नहीं है इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। अरे हम लोग तो बड़ी प्राचीन बातें देख रहे हैं, कल गाजा में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, छुट्टी बनाने के लिए संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और आकर के पापियों ने धड़ाधड़ बंदूकें चला करके कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों को भगा करके ले गए, कैसे कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार किया। दैट इज देयर DNA, इसको समझो। यह समझने की अकल न पौरस में आई, न आंधी में आई, अंबी में आई, न राजपूतों में आई। इन पापियों के साथ लोहा कैसे लेना चाहिए, इसकी अकल इस देश को सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी। कैसा यह भीषण आक्रमण था, कैसे उन्होंने हम लोगों को रौंदा, कैसे सोमनाथ को तोड़ा, सोमनाथ के पहले कितने मंदिरों को तोड़ा, ये भी देखेंगे। और इतिहास के इस प्रवाह को बदलने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कल देखेंगे।